वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए मूवी की फालतू बातों को हटाकर सीधा पॉइंट की बातों पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जैक नाम के एक लड़के को जिसकी उम्र 28 साल हो गई थी लेकिन अभी तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। वैसे वो अपनी सारी दोस्तों पर लाइन मारता रहता और अक्सर उसे पटाने की कोशिश करता लेकिन कोई भी दोस्तों उसे भाव नहीं दे रही थी। वैसे जैक काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक माहिर इंजीनियर था इसलिए उसे न्यूयॉर्क में जॉब मिली थी, इसलिए वो वहां पर चला जाता है। एक दिन अभी वहां पर कंपनी की एचआर थी जो उसे पिकअप करने के लिए आई थी। अभी एचआर भी दोस्तों सेम टू सेम जैक जैसी ही थी क्योंकि उसे अपनी सारी जरूरियात, मतलब कि वो वाली जरूरियात आप समझ गए होंगे, वो सारी जरूरियात अपनी पूरी करनी थी लेकिन वो किसी भी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी स्टोरी सुनाती है और जैक उसे अपनी स्टोरी सुनाता है तो दोनों का मैच मेकिंग हो जाता है और दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही वो दोनों घूमते फिरते और फूल ऑन यस करते, वैसे साथ साथ काम भी करते और इसी तरह समय बीतता गया और दोनों इतने करीब आ गए। हालांकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे लेकिन वो इतने, मतलब कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, कि वो दोनों इतने करीब आ गए थे कि वो बिना कोई रिलेशनशिप के ही फुल ऑन माचरा कर रहे थे, यानी कि हर रात रंगीन मना रहे थे और लड़की को भी अपनी जरूरियात पूरी हो गई थी और जैक को भी दोस्तों अभी कोई गर्लफ्रेंड या कोई ऐसी फ्रेंड की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे भी अपनी सारी जरूरियातें थी वो पूरी हो रही थी। इसीलिए वो दोनों बेखौफ होकर फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक दिन एंजॉय करते करते वो लड़की की मोम आ जाती है और वैसे दोस्तों वो लड़की की मोम भी काफी ठरकी थी, वो हमारे जैक पर ही लाइन मारने लगी थी। इसलिए वो लड़की जिसका नाम था जेनी, वो अपनी मोम को काबू में करती है और जैक को वहां से भगा देती है। लेकिन लड़की की मोम यानी कि जेनी की मोम को भी इन सबसे कोई आपत्ति या कोई विरोध नहीं था, इसीलिए जैक और जेनी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना होते हुए भी वो सारे काम कर रहे थे जो अक्सर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में करते, और वो भी दिन ब दिन हर रोज हर रात जब समय मिले तब करते थे। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत चुके थे और एक दिन जैक की बहन और उसकी पूरी फैमिली जैक के पास आती है जहां पर उन सबकी नजर जेनी पर पड़ती है। अभी वो उस जैक को पूछते हैं कि ये कौन है, तो जैक उसे कहता है कि ये मेरी ऐसे ऐसे फ्रेंड है और ये मेरी कंपनी में एचआर है, यानी कि मेरे से ऊंचे पद में है और वैसे भी हम दोनों एक अच्छे दोस्त है। अभी यहाँ पर जैक की बहन जैक को एक सलाह देती है कि तुम्हारी और जेनी की जोड़ी काफी अच्छी है इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैक उसे साफ साफ मना कर देता है कि जेनी का कुछ और ही नजरिया है क्योंकि वो दुनिया किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती और किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती। वैसे दोस्तों जैक की बहन ने तो एक दिन ये सारा कामकाज देख लिया था जो जैक और जेनी के बीच में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैक अपनी बात क्लियर करते हुए बोलता है कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर रही हो और मैं अपनी जरूरियात पूरी कर रहा हूँ। अभी ये सारी बातें दोस्तों जेनी ने चुपके से सुन ली थी। अभी यहाँ पर जेनी को अपने आप पर इतनी घिन आ रही थी कि उसने अभी जैक को अवॉइड करना चालू कर दिया था और ये सारी बातें जैक ने नोटिस भी कर ली थी लेकिन वो खुलकर बोल नहीं सकता था क्योंकि एक तो जेनी कंपनी में एचआर थी और वो अगर उससे झगड़ा या ऐसा वैसा कुछ करता तो वो उसे कंपनी से बाहर करवा देती। इसलिए जैक अभी यहाँ पर थोड़ा सा शांत था लेकिन एक दिन उसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो जेनी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब, यानी कि मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तभी जेनी जैक को कहते है कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो पेलम पाली वाला है और हम दोनों अपनी सिर्फ और सिर्फ जरूरियात ही पूरी कर रहे हैं और तुम इसे कुछ आगे ना समझो, इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जैक दोस्तों काफी बुरा मान चुका था क्योंकि अभी यहाँ पर जैक जेनी से थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था और जेनी को इन सब की कोई भी परवाह नहीं थी इसलिए वो वहां से चली गई थी। जैक को भी दोस्तों पेलम पाली भारी पड़ रही थी क्योंकि वो अभी जेनी से नजरे नहीं मिला पा रहा था, इसलिए जैक ने जॉब को रिजाइन मार दिया था और वो वापिस अपने घर जाना चाहता था। अभी ये सारी बात जेनी को पता चलते ही वो भी काफी दुखी हो चुकी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा लड़का
यानी कि उसे मन में ऐसा लग रहा था कि मैंने एक अच्छे लड़के को फंसाया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी दूसरी ओर जैक का बाप था जो जैक को समझा रहा था कि जेनी के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, इसलिए उसके साथ बेटा शादी कर लो और सेटल हो जाओ। और इस साइड जेनी की माँ भी उसे समझा रही थी कि एक जैक जैसा लड़का तुम्हें कभी भी और किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा, इसलिए उसके साथ शादी कर लो। हालांकि जैक और जेनी दोनों के दिल में अभी थोड़ा थोड़ा प्यार तो बढ़ ही चुका था, लेकिन अपनी पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए दोनों मान जाते हैं। और इज्जत तो क्या दोस्तों, वो दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा प्यार भी करने लगे थे। और जब बिछड़ने की बात आई तब उन दोनों से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो दोनों सच में समझ गए थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों जैसा गहरा प्यार और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आखिर में हमारा जैक और जेनी दोनों मान जाते हैं और आपस में फुल ऑन शादी का मात्रा सेटअप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।